तो हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे कि राइजर और ट्रेड क्या होता है। तो ये जो हमारा रेटा है, ये हॉरिजॉन्टल, ये टप्पा जिसको बोलते हैं इसको ट्रेड बोलते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल जो रहता है उसको राइजर बोलते हैं। ये 6 इंच है, और जो हमारा ट्रेड है ये 10 इंच होना चाहिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। राइजर में से 6 या 7 पे ही रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो जो मल्टियाँ बनती है उसमें 12 इंच के ही रखा जाता है ट्रेड, उसमें इसमें आप 8 इंच या 9 इंच नहीं रखें, 6 या 7 इंच पे ही राइजर रखें तो उसको चढ़ने में भी आसानी रहती। और यहाँ पर जब ये स्लेब कॉस्ट हो तो इसमें कवर जरूर डलवाएं, और ये हनीकॉम्ब ज़्यादा आते हैं। और इसकी जो सील हाइट है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक मिनिमम इसकी 6 फीट 8 इंच होने चाहिए, और मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 7 फीट के ऊपर ही होनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी चढ़ा तो उसका हेड टकराए नहीं इससे। और इसके जो स्लैब है वो 4 इंच होनी चाहिए। जैसे ये चढ़ा हुआ धुआंदार है, पर इसमें हमने ये अच्छा है कि इसमें कली नहीं दी, जैसे बोलते हैं या आपके इधर क्या बोलते हैं, हमारे इधर तो कली बोलते हैं इसको, उसको शायद वाइंडर भी बोलते हैं जहाँ से कट होती है। तो ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए।